मध्य प्रदेश में 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी के वादे के बाद किसानों ने फसल बेचनी बंद की, बैंक से कर्ज का भुगतान रोका। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान टीवी विज्ञापनों में बीजेपी ने बड़े कॉरपोरेट घरानों को पीछे छोड़ा, एक हफ्ते में 22,000 बार दिखे बीजेपी के एड्स। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सेना और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में पत्रकार शुजात बुखारी के हत्यारे समेत 6 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। अंशु प्रकाश के तबादले के बाद विजय कुमार देव को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया। केरल में बढ़ते तनाव के मद्देनजर सबरीमाला, निलक्कल और पंबा में धारा 144 4 और दिन के लिए बढ़ाई गई। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट, 25 लोगों की मौत, 35 घायल। पाकिस्तान में चीनी कॉन्सुलेट के बाहर हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली, 3 हमलावरों और 2 पुलिस वालों की मौत। भारत और चीन ने हमले की निंदा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच बारिश के चलते रद्द, 3 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। और मैरीकॉम के बाद हरियाणा की 21 साल की सोनिया चहल विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में नॉर्थ कोरिया की सोन हुआ जो को 5-0 से हराया।